पूरे देश में जिसका लड़ाई बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। ममता बनर्जी का इतिहास रहा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में यहाँ पर मंत्री थी एनडीए में। उनका जो डीएनए है, उनका खून का जो डीएनए है टीएमसी का, वो बीजेपी के साथ में है। लेकिन आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी आरएसएस और बीजेपी से लड़ाई किया है और आने वाला दिन में भी करेगा। लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं है कब आप बीजेपी में चले जाए। आज काउंसिलर इलेक्शन है, यहाँ पर मोदी का और देवी का कोई बात नहीं है। उसके बावजूद भी जहां जहां पर राम का राम का मंच बन रहा है, वहां पर वही मोदी दीदी बीजेपी टीएमसी किया जा रहा है। क्यों भाई, आप वार्ड में काम किए हैं या नहीं, उसके लिए इलेक्शन है। आप यहाँ पर कम्युनिटी हो, हेल्थ सेंटर किए हैं कि नहीं, उसके लिए इलेक्शन है। आप यहाँ पर विधवा माओं को पेंशन दिए हैं या नहीं, उसके लिए इलेक्शन है। आप यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को ओल्ड एज पेंशन दिए हैं या नहीं, उसका लड़ाई है। पूरे यूनिवर्सिटी नंबर वन में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर आज तक बाथरूम नहीं है। एक जल है उसमें 200 लोग पानी होते हैं। मैं जगह जगह पर डोर टू डोर में जाता हूँ, कोई भी एक शख्स भी राम का ऐलान से खुश नहीं है। सभी का कहना है कि फिर चुनाव होता है राम का ऐलान जी, सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे दौड़ते दौड़ते पहुंच रहे हैं। आप अगर काम करते तो आप अपने घर में आराम करते और यहाँ की आवाम आपको वोट देती। बटिया गुरु जिला का आप देखिए, वहां पर हमेशा खिदिरपुर इलाके से बटिया गुरु हमेशा पीछे रहता था, लेकिन आज का ये स्थिति है कि आप जब बटिया गुरु जिला का जाएंगे तो लगेगा कि हम लोग उन लोगों से 20 साल पीछे हैं। सीबा चुनाव आया है, आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करके धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बात करके लोगों का वोट लेंगे। हम लोगों का ये इतिहास रहा है कि चुनाव हारे या जीते, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। तो मंच से आप लोगों को जो जो वादा करूंगा वो मैं फिर से आपके सामने में दोहराऊंगा और अपने बात को खत्म करूंगा। आप लोगों ने एक बार ये चुनाव आपका घर का चुनाव है, राम पहले राम को आप लोगों ने 50 साल मौका दिया और आपके पास में वो 5 बार भी नहीं आए हैं। मैं आपका घर का लड़का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, मेरा घर पास में है, आप 2 मिनट में मुझे पा जाएंगे। एक बार आप लोग मुझे मौका दे, मैं इस मंच से जो जो बात आपको बोलूंगा अगर एक बात भी मेरा चेंज होता है दोबारा आपके सामने लोगों को ही दिखाऊंगा। पहला, यहाँ पर अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर में कम्युनिटी हॉल और हेल्थ सेंटर का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाओं का विधवा पेंशन नहीं मिला है उनका विधवा पेंशन 1 महीने के अंदर में चालू होगा। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका 50 साल से ऊपर उम्र हो चुका है, उन लोगों को सरकार के तरफ से 1000 रुपया महीना मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, वो 1 महीने के अंदर चालू होगा। और इलाका में आप लोग देखे होंगे कि छोटा छोटा बच्चा जब ऑनलाइन क्लास में बैठता है तो टीचर के साथ में जब वो रूबरू होता है तो बहुत सारे लोगों का इंटरनेट खत्म हो जाता है और वहां पर गोल गोल चक्कर होता है। तो पूरे 79 नंबर वार्ड को, हुसैन शाह रोड को, भी खेल मोमिनपुर रोड इलाके को फ्री वाईफाई जोन किया जाएगा, जिससे कि नौजवानों को इंटरनेट का, बच्चों को इंटरनेट का असुविधा ना हो। दूसरा, यहाँ पर अगर किसी भी घर में किसी बच्ची का शादी होता है, किसी भी बच्ची का शादी मेरे 79 नंबर वार्ड में, सिर्फ मैं कोबी के दुसंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 79 नंबर वार्ड में अगर आप लोगों ने मुझे एक बार मौका दिया, 50 साल राम का राम को दिए, एक बार अपने घर के नौजवान को अगर आप लोग मौका दिए तो यहाँ पर किसी भी गरीब बच्ची का शादी होगा उसका खाने का जो खर्चा होगा वो आधा आपका भाई आपका बेटा उठाएगा। ये सब काम काउंसिलर का है जो वो किए नहीं है। कितने दिन तक सिंबल के ऊपर में और ममता बनर्जी और बॉबी हकीम का फोटो लगा लगा करके वोट लीजिएगा। ये चुनाव दिल्ली का और बंगाल का नहीं है, ये आपके घर का चुनाव है। आपने काम नहीं किया है तभी आपको घर घर आना पड़ रहा है और दूसरा का नाम लगा लगा करके पोस्टर लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों साथियों, मेरे बुजुर्ग, मेरे घर में पर्दा नसीब माँ बहन, जहां जहां तक मेरा आवाज जा रहा है, आप लोग ये जान सकते हैं, अपने दिल में हाथ रख करके सोचे कि मैं एक भी बात गलत आपसे नहीं किया हूं।
और जो वादा आपसे मैं इस मंच से करूंगा वो एक एक इंच पूरा किया जाएगा अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मेरे पास में कोई बड़ा मंत्री नेता है मेरे मंच में आपको नजर नहीं आएगा। आज जब टीएमसी का यहां पर मंच बनेगा तो देखिए होंगे आपके स्टेज में इतना भीड़ लग जाता है क्योंकि सब नेता है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वर्कर नहीं है। स्टेज में इतना भीड़ लग जाता है कि डेकोरेटर मंत्री के भाई कुछ कम कर दीजिए नहीं तो पूरा स्टेज गिर जाएगा। तो उनके पास में इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतना पैसा वाला लोग है और मैं एक नौजवान, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का जब उम्मीदवार हुआ तो मेरे खिलाफ में इतने बड़े बड़े दिग्गज मंत्री, काउंसिलर, इतने बड़े बड़े दाया बाया करके पैसा कमाने वाले सभी गंदे हो गए। किस लिए? कि उन लोगों का जो पोल पट्टी है वो मैं खोल रहा हूं। इसलिए क्योंकि आज चुनाव आया है तभी राम बहराम को आप लोग लेकर के घूम रहे हैं। चलिए असेंबली का चुनाव था, आप लोगों को यहां के आवाम ने वोट दिया, लेकिन ये चुनाव असेंबली का दिल्ली का नहीं है, ये आपका घर का चुनाव है। और मुझसे, जबकि मैं उम्र में इन सभी लोगों से काफी कम हूं, छोटा हूं, इनका बेटे का उम्र का हूं, राम बहराम का तो पोता का उम्र का हूं। जब से मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं यहां पर पूरा पैसा का ताकत आप देखते होंगे कि मेरे इस मोड़ में एक दो होर्डिंग लगा हुआ है, वो भी मेरे भाई साथी जो साथ में रहते हैं सब मुझे थोड़ा 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 पैसा करके मदद करते हैं। उससे हम लोग बैनर झंडा बनाते हैं, वो भी बैनर झंडा जब रात में मेरे भाई लोग तीन तीन बजे रात तक, चार चार बजे रात तक जाग जाग करके लगाते हैं तो रात में इन लोगों के आने के बाद में वो बैनर झंडा तोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, रास्ते में गिरा दिया जाता है। हमको पता है आपके साथ में मंत्री साहब है, आपके यहाँ पर टीएमसी का सरकार है, आपका पुलिस है, प्रशासन है, आपके साथ में इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ के उद्योगपति, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन मेरे साथ में 79 नंबर वार्ड और उपेंद्र रोड कोबी खेत का आवाम है। और ये आवाम 19 तारीख को ये चीख चीख करके और सुबह सुबह उठ करके अपने बैलेट के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से आप लोगों का होश और नींद दोनों उड़ाएगा, ये पूरा मुझे भरोसा है। इसी बात में आपके सामने मैं विदाई लेता हूँ कि आपका घर का बेटा है। न डरता हूँ, न झुकता हूँ, न थकता हूँ, न डरता हूँ, न झुकता हूँ, न थकता हूँ। आप मेरी ताकत है, आप ही की बात करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह सुबह उठ करके एक नंबर बटन में इतना बटन दबाए कि इनका कान तक वो आवाज जाए और ये लोग होश में आए कि 5 साल आवाज के बीच में नहीं रहने से यहाँ की आवाज कैसे सजा देती है। इसी के साथ आपसे रुख्सत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदा बोल, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदा बोल, आगे बोल बोल जिंदा बोल, आज का मंच यहीं पर खत्म करते हैं।